हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्योंकि जैसा सबको पता है कुछ दिन और, 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, फिर तो 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम सीजन बैंकिंग का स्टार्ट हो रहा है। और मैं पर्सनली ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद लाई हूँ। आई थिंक जैसा कि आप कैप्शन देख के समझ रहे होंगे कि IDBI की RTI रिप्लाई के बारे में, और जिस दिन मैंने RTI डाला था आज से अप्रॉक्स 15 डेज पहले, मैंने उसी दिन लास्ट वीडियो डाला था। उसके बाद फिर मैंने शायद वीडियो डाला ही नहीं उसके बाद, कुछ काम एंड ऑल ये वो। तो खैर, बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे कि आपने RTI डाला, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या आया, और मेरा भी अभी तक नहीं आया। इस तरीके से बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, तो सबसे पहले उन लोगों को मैं बता दूं जिनका RTI रिप्लाई अभी तक नहीं आया, वेट कीजिए, वो आएगा। किसी किसी को बहुत जल्दी दे रहा है, क्योंकि एक बंदे ने तो बताया कि 1 वीक के विदिन उन्हें दे दिया गया था, किसी को बहुत टाइम लग रहा है। मेरा आई थिंक मैंने 5 को अप्लाई किया था, 5 मतलब इसी मंथ के 5 जुलाई को मतलब, और कल आया है मुझे RTI रिप्लाई। मुझे आई थिंक लगा कि पता नहीं मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ दिया क्या, आखिर अभी तक रिप्लाई आया क्यों नहीं। तो मुझे नहीं, क्वेश्चन तो सब सही था, आई डोंट नो रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो कल शाम अप्रॉक्स में मैंने ये देखा, एक मेल पे आया हुआ था, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कुछ क्वेरीज तो पहले ही सॉल्व थे, मैंने बताया था कि अप्रॉक्स जो जिनकी सिलेक्शन हुई है IDBI जैम में, उनका जो मेरिट लिस्ट बना है ये तो पता ही होगा सबको, 500 स्टूडेंट है उसमें, और वेटिंग लिस्ट में अप्रॉक्स 968 है। मतलब सीरियसली क्या आप लोग कर रहे हैं? मतलब 500 लोगों को आपने लिया है और 968 मतलब 968 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है भाई साहब। मतलब क्यों करते हैं आप लोग? आप लोग कुछ ही स्टूडेंट को रखें ना, मतलब सोच कितनी बड़ी है आपकी। मतलब आप क्या सोचते हैं कि मतलब 500 लोग, अगर सोचो 500 के 500 लोग ने भी अगर लीव कर दिया इस जॉब को, फिर भी सबका क्लियर नहीं होने वाला है। अरे ठीक है, कम से कम हाफ रखें यार, 500 का मेरिट लिस्ट है तो 250 वेटिंग लिस्ट में होंगे, खामखा 900 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना। बट ठीक है, शायद मे भी इन लोगों को एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं कुछ होती होगी, तभी इन लोग इतना लंबा देते हैं। अब एग्जीक्यूटिव को ही देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव में भी तो यही हुआ ना। ठीक है, OBC का सिलेक्शन बहुत मिनिमम मार्जिन में लिया गया, लेकिन जनरल वालों को तो आपने देखा ना, 101 पे सिलेक्शन हुआ था। सबको याद होगा मैंने वो वीडियो पर्सनली डाला था, मतलब एकदम डीपली बताया था मैंने उसमें कि 115 अप्रॉक्स कट ऑफ जाने पर 101 पे सिलेक्शन होना इज़ नॉट अ, यू नो क्या उसको बोल सकते हैं, इज़ नॉट अ ईजी डील। मतलब कभी कोई सोच ही नहीं सकता, किसी ने भी नहीं सोचा हो कि मेरा 101 नंबर है और मुझे DV के लिए बुलाया जाएगा कि ना। मतलब आई थिंक किसी स्टूडेंट ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया। बट खैर, ये सब तो बात हो गई, मैं RTI पे आपको लेकर चलती हूँ कि क्या आया रिप्लाई, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा नाम हो गया है यहाँ पे, और मैंने 5/7/24 को रिसीव, मतलब वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था 5 जुलाई को, मैंने जैसा बताया। और ये रहा क्वेरी एंड मैंने क्या पूछा था, नहीं ये जो क्वेश्चन देखे, तो पहला क्वेरी मेरा ये था कि ऑफकोर्स इस ईयर का जो भी मैंने IDBI PGDF दिया है उसके मार्क्स मैंने पूछे थे, तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी। मैंने बताया भी था कि मुझे नहीं लगता ये लोग मार्क्स रिवील करने वाले हैं एटलीस्ट तब तक जब तक आपका उसमें ज्वाइनिंग ना हो जाए। तो आई थिंक मुझे ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है, शायद ये वजह है। बट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है डैट की रिजल्ट ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ जैम थ्रू PGDF 24-25 वेर इंडिकेटेड क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड कट ऑफ विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर क्लिमिनेशन ऑफ द इंटायर सेलेक्शन प्रोसेस। ऑफकोर्स यही होने वाला है, इंटायर सेलेक्शन प्रोसेस के बाद ही आपका मार्क्स रिवील करेंगे, वरना सारे स्टूडेंट अगर जान जाएंगे तो हो सकता है ये क्लियर हो जाए कि मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं क्या नहीं है, या पता नहीं इनका क्या डीप सोच है, बट इन्होंने नहीं किया, मतलब रिवील ये नहीं करेंगे मार्क्स। एक बार ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद ये लोग रिवील करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने ये पूछा था कि कितने लोग मेरिट लिस्ट में है अभी, मतलब सॉरी वेटिंग लिस्ट में भी हैं अभी कितने लोग। तो देख सकते हैं आप, एज यूजुअल OBC द मोस्ट हाईएस्ट वो है 521, अंडर रिजर्व 112, EWS 101, SC 153 एंड ST 61। मतलब आप देख सकते हैं OBC मतलब यार डबल ट्रिपल लगभग रहते हैं, क्या वेटिंग लिस्ट मतलब इसमें ज़्यादा गिरेगा, सोचने वाली बात है। OBC को तो और टेंशन है, जनरल से भी ज़्यादा टेंशन। ये पहला पेपर आई थिंक IDBI है जिसमें जनरल से ज़्यादा OBC मतलब अगर होता है ना कि चांसेस उनके ज़्यादा बनते हैं वेटिंग लिस्ट में, OBC का अगर कंपेयर किया जाए तो, मेरा ये कहना इस एग्ज़ाम को लेके। अब मुझे कुछ लोग बोलना नहीं, मत बोल देना शुरू कर दीजिएगा, अरे आपको OBC का तो मार्क्स कम जाता है जनरल से, मैं इस एग्ज़ाम का पार्टिकुलर बता रही हूँ। और बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं मतलब जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ OBC का ज़्यादा मार्क्स है,
मैंने आपको बताया था ये बात, OBC के 107 मार्क्स हैं, 102.75 जनरल का है, उसका वेटिंग लिस्ट में क्लियर हुआ है। तो आप सोच सकते हैं OBC वाले ज़्यादा रिग्रेट में कि काश हम जनरल से फॉर्म भर दिए होते, है ना। तो ये चीज़ बुरा लगता है, खैर जो फैक्ट है वो बताना बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्या पूछ दिया भाई, देखो मुझे आंसर क्या आया है, दैट द इन्फॉर्मेशन साउट इज इन द नेचर ऑफ सीकिंग हाइपोथेटिकल आंसर ओपिनियन क्लैरिफिकेशन विच इज नॉट डिफाइंड एज इन्फॉर्मेशन US जो भी इनकी RTI 2005 है। मतलब एक तो इतना लेट ये लोग RTI रिप्लाई देते हैं कि इंसान क्वेश्चन में भूल जाए कि मैंने क्या पूछा था। मैंने पता है थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था, कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो शायद इनको लगा हो कि नहीं, मतलब ये बड़ा उम्दा क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। तो तीन क्वेश्चन मेरे ये थे और ये तीनों का आंसर आ चुका है। RTI रिप्लाई आई थिंक मुझे अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि मतलब 20 दिन प्लस हो गए हैं, 20-22 दिन हो गए हैं। तो जिनका भी आ गया होगा एक बार चेक कर लीजिए, हालांकि यही वो रिपीट करते जाएंगे बार बार, आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे कि फिर से एक बार हम लगा देते हैं RTI का, कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से इसको लगाइएगा। अभी एटलीस्ट ज्वाइनिंग होने दीजिए, जब इन्होंने कहा है कि ज्वाइनिंग के बाद, तो मतलब ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और RRB की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं कुछ बात नहीं करूँगी इसमें RRB के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और अपना चैनल पे प्यार प्लीज़ बनाए रखिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, एंड टेक केयर, थैंक यू।